ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ दी फोलोइंग कंपाउंड ओके तो सीधा कंपाउंड कौन कौन से कम्पाउंड है जिनका हमें स्ट्रक्चर बनाना है पहला कंपाउंड है इथेनाइक एसिड सेकेंड इज ब्रोमोपेंटेन थर्ड इज ब्यूटेन एंड फोर्थ इज हेक्गजेनल ओके तो यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन पूछकर रखा है डैट इज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोपेंटेन पॉसिबल ओके जो ब्रोमोपेंटेन का कंपाउंड है डेट इज सेकेंड कंपाउंड क्या इस कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं तो कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे ओके तो जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ब्रोमोपेंटेन का तब हम आइसोमर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम पहला कंपाउंड देखते हैं डैट इज इथेनोइक एसिड ठीक है acid, तो इस इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको रूटवर चेक करना है तो यहाँ पर रूटवर्ड प्रेजेंट है इथ इथ मतलब दो कार्बन होते हैं ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर है एन एन क्या होता है कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड ओके मतलब इथ में दो कार्बन है तो दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर है फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ओके तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए सी ओ ओ ओ ओ एच ओके या फिर आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो डैट इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओके दिस इज द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड इस फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप सफिक्स क्या लगाते हो ओइक एसिड ओके देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त सबसे पहले हम क्या करेंगे इस फंक्शनल ग्रुप पर रिप्रेजेंट कर लेंगे ओके okay? तो यहाँ पर देखिए सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच देन नेक्स्ट यहाँ पर रूट क्या इथ मतलब जो हम स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं उसमें दो कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए तो एक कार्बन ऑलरेडी इस फंक्शन ग्रुप में प्रेजेंट है ठीक है और एक कार्बन को अटैच करना है तो उस कार्बन को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे ओके okay, दो कार्बन हो गए देन नेक्स्ट कार्बन की वैलेंसी को कम्प्लीट कर लेंगे ओके okay, मतलब एक कार्बन के पास चार बॉन्ड होने ही चाहिए ओके okay? यहाँ पर देखिए इस कार्बन के पास चार बॉन्ड हो गए वन टू थ्री फोर इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई इस कार्बन के पास चार बॉन्ड है वन टू थ्री फोर तो इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट है ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर इथेनॉइक एसिड नाउ सी दा सेकेंड कंपाउंड दट इज ब्रोमो पेंटेन ओके तो इस कंपाउंड में रूटवर्ड क्या है यहाँ पर रूटवर्ड प्रेजेंट है पेंट पेंट मतलब कितने कार्बन होते हैं फाइव तो यहाँ पर हम फाइव कार्बन को स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव ओके नेक्स्ट यहाँ पर है एन एन क्या होता है कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड मतलब सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा ओके दे नेक्स्ट नंबरिंग कर लेंगे तो मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगी लेफ्ट हैंड साइड से मतलब मैं इस कार्बन को नंबर वन कंसर्ट करूँगी ओके दे नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है हेलोजन ग्रुप दैट इज ब्रोमो ओके okay? ये ब्रोमो ग्रुप एक्ट करता है एज अ सब्सटूंट ओके तो इस ब्रोमो ग्रुप को हम कौन से कार्बन पर अटैच करेंगे तो यहाँ पर देखिए ब्रोमो ग्रुप के सामने कोई भी पोजिशन मैंशन नहीं है मतलब कोई भी नंबर मैंशन नहीं है जब कोई भी नंबर नहीं रहता तो हम क्या लेते हैं वन नंबर कंसिडर करते हैं मतलब ये ब्रोमो ग्रुप कौन से कार्बन पर प्रेजेंट होगा फर्स्ट कार्बन ओके okay? तो मैंने नंबरिंग कहाँ से की थी लेफ्ट हैंड साइड से तो ये कार्बन मेरा फर्स्ट कार्बन होगा तो यहाँ पर मैं अटैच कर दूंगी ब्रोमो ग्रुप को ओके देन कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे ओके दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ब्रोमो पेंटेन ओके ओके यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा था आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्रोमो पेंटेन पॉसिबल ओके जो हमने ये ब्रोमो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाया है ओके okay? क्या इसका दूसरा आइसोमर्स पॉसिबल होगा आइसोमर्स क्या होता है दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉमूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो ओके okay? तो ये है पहला आइसोमर्स सो दूसरा आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे ये ब्रोमो ग्रुप यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर अटैच है ठीक है अब हम क्या करेंगे ब्रोमो ग्रुप को सेकेंड कार्बन पर अटैच कर देंगे तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा बट मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा ओके तो यहाँ पर देखिए सेकेंड आइसोमस कैसे होगा वन टू थ्री फोर फाइव ओके ये हो गया फाइव कार्बन इस ब्रोमो ग्रुप को अब हम अटैच कर देंगे सेकेंड कार्बन पर यहाँ पर ओके तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा बट मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ओके तो ये हो गया हमारा सेकेंड आइसोमॉस ओके दे नेक्स्ट थर्ड आइसोमॉस की पॉसिबिलिटी है या नहीं तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे इस ब्रोमो ग्रुप को अब हम थर्ड कार्बन पर अटैच करेंगे तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा ओके बट मोलिकुलर फॉमूला तो सेम रहेगा ना ओके तो यहाँ पर देखिए फाइव कार्बन को हम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे ओके अब क्या करेंगे थर्ड कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप को अटैच कर देंगे ओके देन कार्बन की वैलेंसी को कम्प्लीट कर लेंगे ओके okay, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया बट मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है ओके okay? तो ये होगा थर्ड आइसोमस ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन सब कंपाउंड में मोलिकुलर फार्मूला सेम है ठीक है यहाँ पर कैसे सेम है तो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कार्बन है तो सी फाइव हाइड्रोजन कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन हाइड्रोजन है इलेवन ओके okay? और एक ब्रोमीन है ठीक है अगर आप सारे कंपाउंड में चेक करते हो तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तीनों कंपाउंड में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है डैट इज सी फाइव एच इलेवन बी आर ओके बट स्ट्रक्चर कैसा structure है स्ट्रक्चर डिफरेंट है ओके पहला स्ट्रक्चर का नेम क्या है ये है वन ब्रोमो पेंटेन ओके दिस इज़ टू ब्रोमो पेंटेन एंड दिस इज थ्री ब्रोमो पेंटेन ओके तो आइसोमर्स क्या होता है दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड तो यहाँ पर थ्री कंपाउंड है बट तीनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट उनका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसा है सेम है ओके okay? तो यहाँ पर ब्रोमो पेंटेन में कितने आइसोमर्स पॉसिबल हुए थ्री आइसोमर्स थ्री आइसोमर्स इज पॉसिबल इन ब्रोमो पेंटेन नाउ द थर्ड कंपाउंड डैट इज ब्यूट ओके तो यहां पर रूट वर्ड क्या प्रेजेंट है यहाँ पर रूट वर्ड है ब्यूट but. ब्यूट मतलब फोर कार्बन होते हैं ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर एन है एन क्या होता है कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप ऑन डेट इज कीटोन ओके सो कीटोन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पर देखिए सी ओ ओके okay, या फिर आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो डैट इज सी डबल बॉन्ड ओ ओके दिस इज फंक्शनल ग्रुप कीटोन इस फंक्शनल ग्रुप कीटोन के लिए आप सफिक्स क्या लगाते हो ऑन डैट इज ओ एन ई ओके तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त सबसे पहले आप इस फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करोगे ओके okay? देन नेक्स्ट यहाँ पर रूट वर्ड क्या है ब्यूट मतलब स्ट्रक्चर में फोर कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए तो एक कार्बन ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है और थ्री कार्बन को अटैच करने हैं तो इस तरीके से हम दो कार्बन को अटैच कर लेंगे ओके यहाँ पर थ्री कार्बन हो गए और एक कार्बन को अटैच करना है ओके तो या तो आप उस कार्बन को लेफ्ट हैंड साइड पर अटैच कर लो या तो राइट हैंड साइड पर ओके तो मैं फोर्थ वाले कार्बन को अटैच कर लूँगी राइट हैंड साइड पे, ओके तो यहाँ पर फोर कार्बन हो गए वन टू थ्री फोर ओके अब हम क्या करेंगे कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे ओके okay, मतलब एक कार्बन के पास चार बॉन्ड होने ही चाहिए तो यहाँ पर हम सभी कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ब्यूटे नाउ सी द फोर्थ कंपाउंड दैट इज हेक्सेनल ओके तो यहाँ पर रूट वर्ड है हेक्स हेक्स मतलब सिक्स कार्बन होते हैं ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर एन है एन क्या होता है कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड देन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अल दैट इज अर्ली ठीक है तो अर्ली को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए सी एच ओ ओके okay, या फिर आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो डैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एच ओके ये है फंक्शनल ग्रुप अल्डी इस अल्डीहाइट के लिए हम सफिक्स लगाते हैं अल ओके okay, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त सबसे पहले हम इस फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए सी डबल बॉन्ड ओ एच ओके यहाँ पर रूट वर्ड है हेग्स मतलब स्ट्रक्चर में सिक्स कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए तो एक कार्बन ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है और फाइव कार्बन को अटैच करना है तो यहाँ पर हम इस तरीके से फाइव कार्बन को अटैच कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव ओके देन नेक्स्ट कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर हेक्सेनल